बैठिए बताइए। सर हम सात भाई सगे हैं, हमारी माँ के नाम मकान है यहाँ टेगो टाउन में। टेगो टाउन में मकान है जी, टेगो टाउन मकान है। तो अभी पिछले साल मेरी माता जी नहीं रही, उन्हीं के नाम मकान है। मेरे बड़े भाई साहब कहीं से कागज वागज बनवा के उसको अपने नाम कराना चाहे नगर निगम से, तो नहीं हो पाया, उनके नाम फर्जी साबित हो गया वो। तो उन्होंने एक सलोरी के उनको उस मकान को दान कर दिया, दान कर दिया, दान कर दिया, दान कर दिया। तो दान दान में भी वो स्टाम्प ड्यूटी किसने पे की? अब स्टाम्प उनका एक प्लाट है हमारे भाई साहब पे ही टेगो टाउन 500 गज का, तो उसको भी उनको दे रखा है। नहीं दे तो रखा है, दान बेचने के लिए। दान का जो है रजिस्टर्ड हो गया कोई? रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं? स्टाम्प पे किया उसमें उन्होंने? हाँ, किसने किया है, लेने वाले ने देने वाले ने? लिखा तो इसमें लिखा हुआ है। इसने दान कर दिया? नहीं ठीक है, उसने अपना हिस्सा ही तो दान किया होगा या आपका भी कर डाला? पूरा पूरी प्रॉपर्टी, पूरा कैसे कर देगा? प्रॉपर्टी उनके नाम भी नहीं है कहीं से, मेरे तो वो पूरा कर कैसे देगा? ये हो कैसे गया रजिस्ट्रेशन? अब क्या बताएं, हम देख लीजिए ये। और कितना दौड़ रहे हैं यार, 20 दिन से उसके एफआईआर के लिए कब से हम दिए हुए 26 तारीख से और आज तक कुछ नहीं हुआ। वो सब मैनेज कर ले रहा है। क्यों मैनेज कैसे कर ले, क्या है सर वो कुछ क्या बताएं क्या है? अभी सर करीब 2.5 साल पहले उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और उसकी गाड़ी वहाँ था जहाँ टाउन थाने में बंद हो गई और वहाँ से वो गाड़ी बदलवा दिया। उसका उसका कितने हिस्से पे कब्जा था, जो चीज दान की है? अच्छा वो रहता भी नहीं है वहाँ? कोई नहीं रहता, वो भोपाल में रहते हैं। हम लोग 94 से रह रहे हैं पर साथ, हमको कब्जा से नहीं, हम सगे साथ भाई सातों का हिस्सा है, लेकिन वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कैसे दान कर सकते हैं माता जी के नाम? अब वो बोल रहे हैं ये एफआईआर लिख नहीं रहे हैं जी। चलो लिखा। अब वो रोज धमकाता है कहीं ना कहीं रास्ते में रोक के, खाली करो नहीं तो जान से मार। ना लिखे तो 15 दिन बाद आओगे मेरे पास। सुन नहीं रहे सुनेंगे सुनेंगे बहुत आजकल आजकल।